आप सभी को मेरा नमस्ते। कैसे हो आप सब? मैं तो ठीक हूँ और मेरे सारे डॉग्स भी ठीक हैं। आप सब वीडियो देखा करें मेरी और मेरे डॉग्स को बहुत सारा प्यार दिया करें। आपके सपोर्ट की ज़रूरत है उनको। और एक्चुअली टाइम नहीं लगता है इतना कि मैं सामने आके उन सब के बारे में बात करूँ, किस किस के बारे में बात करूँ। अभी बहुत ज़्यादा हो गए हैं और भी आ गए हैं, खाने के लिए आते हैं तो मुझे बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। अभी ना खिड़कियाँ बंद है तो रोशनी कुछ अजीब सी पड़ रही है इधर से, बारिश आने वाली है यहाँ पे। और अभी मैं रूम में बैठी हूँ, बोना नहीं आई है, कल भी नहीं आई थी। कुकी बाहर सोई है, स्नोई भी नीचे सोई है जहाँ पे सोती है, लेकिन वो खाना खाने यहाँ पे आती है। और 3-4 डॉगी की सुबह मैंने वीडियो बनाई थी, बहुत तंग कर देते हैं कभी कभी, ये नीचे आ जाते हैं, अंदर आते हैं, पूरे फटे गिरा देते हैं। मुर्गी डरती है उनसे, मुर्गी को परेशान करते हैं। तो मैंने सोचा आज बोना के बारे में आपको बताती हूँ। बोना एक स्ट्रीट डॉग है। हाँ, तो सारे स्ट्रीट डॉग है लेकिन बोना मेरे लिए बहुत ज़्यादा खास है। वो डिस्टेंपर सर्वाइवर है और उसके अभी भी कान हिलते रहते हैं, मुंह हिलता रहता है। उस चीज़ का मुझे बहुत ज़्यादा दुख होता है। वीडियोस में देखा होगा आपने, वो अपने बेटे को लेके आई थी एक बार, उसकी वीडियो मैंने डाली है। और उसके बहुत सारे बड़े बड़े कीड़े होते हैं, वो कहीं और रहती है लेकिन खाने खाने आते हैं यहाँ पे। तो खाने के लिए इनकी सबकी लड़ाई होती है, कौन खाएगा कौन नहीं खाएगा, अपनी टेरिटरी जो ये लोग अपना करते हैं तो उसकी वजह से इन सब की लड़ाई होती रहती है। क्योंकि स्नोई है यहाँ पे और अब कुकी भी बड़ी हो गई है तो इन सब की लड़ाई होती रहती है। लेकिन फ़िलहाल अभी तक बोना और कुकी की लड़ाई नहीं हुई है। स्नोई की और बोना की बहुत भयंकर लड़ाई होती है। उसकी वीडियोज़ बहुत सारी चैनल पर हैं। आप लोग कहाँ कहाँ से मेरी वीडियो देखते हैं कमेंट प्लीज़ ज़रूर करना। और मेरे डॉग्स के लिए मेरे चैनल को सपोर्ट कीजिए ताकि मैं इनके लिए अच्छा अच्छा कुछ और कर पाऊँ, इनके लिए अच्छा अच्छा खाना ला पाऊँ। कभी कभी मेरी तबीयत ख़राब होती है, मैं बना नहीं पाती हूँ, तो इनको ब्रेड बहुत ज़्यादा पसंद है। जब मैं कुकी को फुल्का और ब्रेड बहुत ज़्यादा पसंद है, इन सबको ब्रेड बहुत ज़्यादा पसंद है। हम कहीं भी अकेले नहीं होते हैं, साथ में आ जाते हैं। आगे पीछे बोना है और ये बोना का बच्चा है। इसको जब ये लेके आई थी, वो वीडियो मैं ऐड कर रही हूँ इसमें, इसके कान के कीड़े निकाले थे तो बहुत बुरी हालत थी, इतने सारे कीड़े निकाले हुए थे। तो अभी ज़ख्म बन गए इसके कान को। तो ये वो वाली वीडियो है, पाउडर था मेरे पास, डॉक्टर से लाया था जब बोना का इलाज करते थे हम। बोना को हॉस्पिटल लेके गई थी मैं एक बार, तो उस टाइम का ये पाउडर पड़ा हुआ था, तो वही हम यहाँ पर डाल रहे हैं इसको। ये बोना का बेटा है, इसको एलर्जी से बहुत ज्यादा बुरी हालत हो गई थी। तो पहले जब स्नोई छोटी होती थी बोना, तो उनको भी हम ऐसे पाउडर यूज करते थे, तो वही हम यहाँ पे इसको पाउडर डालने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन सब उल्टा हो गया, इसका ढक्कन फट गया, सारा पाउडर गिर गया था। ये क्या फट गया? और ये है बोना। जब हमारे घर का काम चल रहा था तो तभी अंदर आई थी, पीछे सीमेंट पड़ा हुआ है, बहुत ज़्यादा धूल है, बुरा हाल है पूरे घर का, हमारे ऊपर कपड़ों के ऊपर पूरे घर की तबाही मची हुई है। तो बोना अंदर आ जाती थी तब आराम से दरवाजे में आके बैठती थी, तो हमने इसको दे ही दिया क्योंकि बहुत ज़्यादा गर्मी थी। तो ये तब की वीडियो है, रात का खाना खा रही थी ये, उस टाइम पर इसको सारा दही खा लिया था, तो इसको बहुत ज़्यादा पसंद है। देखिए कितने आराम से खा रही है। और ये सबसे आलसी कुकी, लेट लेट के खाती है, इसको खुजलियाँ भी करनी है। ये देखो इसका क्या तरीका है, इतने नखरे हैं मैडम के, इतने नखरे हैं, बचपन से ही ऐसी है ये। ये देखो हद से ज़्यादा नखरे करती, सबसे ज़्यादा लाड प्यार इसको चाहिए होता है भैया, अटेंशन चाहिए, अटेंशन इनको। ये महारानी है घर की इधर। ये देखो उठ के नहीं खाना है, बस ऐसे ही खाना है, लाड प्यार करते रहो, बिस्किट खाना है और इसको बंद और क्या कहते हैं रस और ब्रेड बहुत ज़्यादा पसंद है। कुल मिला के बेकरी का सामान तो पसंद ही है, इसको खाती रहती है लेकिन कानों को हाथ तक नहीं लगाने देती है, कीड़े भरते भरते इसको भी वो जाती रहती है इधर उधर दूसरे डॉगी के साथ में जहाँ इसकी मम्मी रहती है, तो उस वजह से फिर इसको भी लग जाते हैं कीड़े, नहीं तो ये साफ ही रहती है पर ये निकालने नहीं देती है, बड़ा मुश्किल होता है हमको। ये देखे जैसे इसको लगता है कि हम इसके कान को टच कर रहे हैं, ये वहाँ से छोड़ के चली जाती है। लेकिन ये फिर हमने इनको ख़त्म करना ही पड़ता है, नहीं तो ये फिर से इसकी बॉडी पर आ जाएंगे। अभी मैं इसके पैर पे रख रही हूँ, क्या करती है ये, नखरे बहुत करती है, दूध दो मलाई दो दही दो फिर फटाफट खा लेती है। जब अगर सूखी रोटी है फिर इतने धीरे धीरे चबाती है आराम से, बिल्कुल अपनी माँ की तरह है, कैसे खाती पोजीशन बनाती है, कैसे दोनों सेम टू सेम वैसी है, कार्बन कॉपी। क्योंकि पैर हटा दिया इसने, तो ये कुकी है स्नोई की बेटी।